नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल सुशीला केयर योर हेल्थ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप हमारे चैनल के पुराने श्रोता या पुराने दर्शक हैं तो आप उसे लाइक एंड शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं आगे भी आपको नए नए वीडियो देती रहूँ और अपनी जानकारी आपके साथ शेयर करती रहूँ। बच्चा जब छोटा होता है तो उसे इन्फेक्शन का चांस जो है ज़्यादा रहता है, और उसकी इन्फेक्शन की जो संभावना होती है वो बढ़ जाती है। बच्चे को इन्फेक्शन से बचाने के लिए साफ़ सफाई का बेहद ही ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को जब भी छुएं तो अपने हाथ को साबुन पानी से धोकर और अच्छी तरह साफ़ करने के बाद ही बच्चे को पकड़ें। इधर उधर से आने के बाद अचानक बच्चे को ना छुएं। बच्चे को यदि आप दूध दे रही हैं अलग से कटोरी या चम्मच से, तो कटोरी और चम्मच को अच्छी तरह से साफ़ करके पानी में खौलाया हुआ होना चाहिए, और यानी कि जिस भी वस्तु से बच्चे को दूध पिलाई जा रही है तो वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए। कभी कभी यह शिकायत आता है कि बच्चे को ऊपरी आहार कुछ भी नहीं दे रहे हैं, माँ का दूध दे रहे हैं, फिर भी बच्चा उल्टी या लैट्रिन करता है, तो उसका कारण यह होता है वह इन्फेक्शन माँ के द्वारा स्वयं ही लग जाता है। वह ऐसे कि जब बच्चा भूखा होता है, आप उसे गोद में लेने के लिए जाती हैं, कोई भी काम कर रही होती हैं, और अचानक से बच्चे को गोद में उठा लेती हैं और उसे दूध पिलाने लगती हैं, उस वक्त आपके हाथों में जो कीटाणु लगे होते हैं वह आपके हाथ के द्वारा बच्चे के मुंह तक पहुंच जाता है और बच्चे के इन्फेक्शन का कारण बनता है। इसलिए जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर उसके बाद ही बच्चे को लें और बच्चे को दूध पिलाएं। यदि किसी कारण बच्चा को इन्फेक्शन लग गया हो और बार बार वह पतला पैखाना उल्टी कर रहा हो, तो तुरंत ही बच्चे को ORS का घोल बनाकर 2 चम्मच 2-2 घंटे के अंतराल पर अवश्य देते रहें। 2 घंटा के बाद फिर से बच्चे को ORS 2 चम्मच और सादा पानी 2 चम्मच दें। बच्चे को स्तनपान बार बार करवाते रहें। जब भी बच्चा बीमार हो तो स्तनपान को रोके ना। बच्चा को आप सामान्य रूप से जितनी बार देती थी उससे कहीं ज़्यादा बच्चे को बीमारी की हालत में स्तनपान की आवश्यकता होती है। लोग सोचते हैं कि यदि हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो उसका पेट ठीक हो जाएगा। ऐसा कदापि नहीं है, क्योंकि यदि हम फूले हुए बैलून में ऊपर से पानी डालते हैं तो वह फूला का फूला रहता है, लेकिन यदि उसके नीचे हम छेद कर दें तो ऊपर से हम पानी कितना भी डालते जाएं तो वह उसी तरह रहेगा। यदि हम ऊपर से पानी नहीं डालते हैं और बैलून में छेद कर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि बैलून चिपक कर सट जाता है और उसे ठीक करना फिर मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार बच्चे का पेट भी है। यदि आप उसमें दूध बराबर मात्रा में देती रहेंगी तो बच्चा निर्जलीकरण की ओर नहीं जाएगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखें और बच्चे को बीमारी की हालत में भी स्तनपान करवाती रहें, और जब बच्चा का पेट खराब हो जाए तो तुरंत ही उसका इलाज करवाएं, उसमें देरी जरा भी ना करें, क्योंकि आपकी लापरवाही के कारण बच्चा निर्जलीकरण की ओर चला जाएगा और फिर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाएं, और जब भी बच्चे को छुएं तो अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लें।